नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है, यात्रा हरियाणा में दूसरा दिन है और उससे पहले आरोपों की बौछार लग गई है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। पहले तो ये कहा गया कि जहां पर रुके हैं वहां पर बिजली काट दी गई है, फिर कहा गया कि पुलिस वाले लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, कोरोना की चिट्ठी को लेकर पहले ही चर्चा है। कुल मिलाकर परेशान कौन है, दिक्कत कहां हो रही है? बीजेपी कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी बौखला गई है, और अब जब ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस वाले लोगों को रोक रहे हैं, बिजली काटे जाने की बात आ रही है, कहा जा रहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो ये जो यात्रा इतनी दूर से शुरू हुई थी, हरियाणा पहुंचते पहुंचते इसकी चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है और आरोप प्रत्यारोप इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। चीन में कोविड-19 का कहर, संसद के गलियारों से लेकर केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का पत्र इन दिनों राजनीति के पारे को खूब उछाल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों हरियाणा में है तो राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। दरअसल कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा था जिसमें कोविड को लेकर सतर्कता बरतने या फिर यात्रा को समाप्त करने के लिए कहा गया, और ऐसे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने निशाना साधते हुए कहा कि यात्रा को समाप्त करने के लिए हर तरह की कोशिशें हो रही हैं और बिना वजह परेशान किया जा रहा है। ये आप प्रतिशोध को आपको दिखाना है तो कांग्रेस पार्टी को खिलाफ कराइए, ये गांव वालों के खिलाफ क्यों आप ये प्रतिशोध दिखा रहे हैं, बिजली आप कट ऑफ कर दे रहे हैं क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत। तो वही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा है जिसे लेकर विरोधी घबराए हुए हैं। पुलिस की जो ये कार्रवाई है, पुलिस का काम कानून व्यवस्था कायम रखना है, पुलिस का काम किसी रोक लगाना का नहीं, क्योंकि कल बहुत भीड़ आ गई थी, आज इस वास्ते सोच के भीड़ कम करेंगे, राजनीति से परे कोई फैसला पुलिस अधिकारी लेंगे तो भाई उसका जो हम देखो सरकार तो आनी जानी चीज है, उसकी हम असेंबली का सेशन उसमें भी उठाएंगे और पूरी उसके ऊपर लेंगे। राहुल गांधी को भेजे गए पत्र को लेकर कांग्रेस चुनिंदा ढंग से भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बनाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केवल भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी से, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और राजकुमार सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। वंदना जी, आपने सुना होगा अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही गई, भाई भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है, उसका दूसरा चरण भी होना है, लेकिन गांव वालों की बिजली काट देना या पुलिस वालों का इस्तेमाल करके भीड़ को रोक देना, ये सब बातें हो रही हैं, ऐसा क्यों, कौन है परेशान? वरुण, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी की यात्रा हरियाणा में आई हुई है और हम बहुत प्रसन्न हैं उससे, क्योंकि राहुल गांधी को तो हम भारतीय जनता पार्टी जो है अपना स्टार प्रचारक मानती है। जहां जहां ये जाते हैं एक क्लियर कंपैरिजन जो है मोदी जी के बीच में और ये जो जिनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल सामने आ जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुगालते में रहना चाहते हैं, बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी जी से मोदी जी डर गए, ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है, ये अंदर का ये इनकी जो खुशी है ये रखना चाहते हैं, ये मुगालता रखना चाहते हैं, तो 10 बार रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या आवश्यकता है आपकी, अगर आपकी यात्रा ठहरी है तो उसकी हम बिजली क्यों काटेंगे, मुझे इसका समझ नहीं आता, उसके पीछे क्या क्या कारण है ये तो बताएंगे। लेकिन एक चीज और भी है वरुण, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है उसके लिए भी शायद ये भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दे। मुझे इतना बताइए कि राहुल गांधी जी को अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो सेल्फी लेने वाले का हाथ झटक देते हैं तो क्या उसमें भाजपा का कसूर है? ये कहा जाता है कि कुछ नेता है वो पहुंचे नहीं, कुछ पीछे की लाइन में बैठे हुए थे, तो क्या उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ही कुछ कर रही है? आपके उदय भांजी हैं वो अपने फेसबुक पर लिख जाते हैं कि राहुल गांधी और हुड्डा जी के प्रति लोगों में रोष है, तो क्या वो भी भाजपा ने किया था? आपके एक प्रवक्ता है सुमित घोड़, वो शोर मचाते हैं कि जहां पर रैली आ रही है, जहां पर रैली हो रही है वहां पर हुड्डा जी के तो बैनर लगे हुए हैं, शैलजा जी के नहीं लगे हुए हैं। तो ये यात्रा से संबंधित आपकी जो कठिनाइयां हैं आपके सामने जो आ रही है वो आप ही झेलिए ना, वो आपके सारे अंदरूनी है, लेकिन इस तरह से बोलना कि बिजली काट दी, पुलिस वाले नहीं पहुंचने दे रहे,
मुझे लगता है बहुत ज्यादा हास्यास्पद है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए 7 सितंबर से इनकी भारत तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा चली थी और 7 सितंबर से लेकर आज तक तो इनको एक बार भी नहीं लगा कि इनकी यात्रा रोकने की कोशिश की गई। बल्कि ये भी कहा गया कि मीडिया जो है हमारी यात्रा को कवर नहीं कर रही है, उसके लिए उन्होंने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। कभी वीर सावरकर जी को बीच में ले आए जब यात्रा चल रही है तो उनके बारे में बात करने की क्या आवश्यकता थी, फिर सेना पे प्रश्न उठा दिए, फिर बीच में एक सेंटेंस एक ऐसा जो भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित नहीं है, लेकिन कांग्रेस के एक नेता ने ये कह दिया कि मोदी की हत्या को तत्पर रहिए। तो ये बौखलाहट ये किसकी है? ये कांग्रेस पार्टी की है कि हम इतनी बड़ी यात्रा करके आ रहे, बेचारे राहुल जी को इतना लंबा चरवा दिया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये सारे हथकंडे इनके द्वारा ही अपनाए जा रहे हैं। हम तो खुश है राहुल गांधी जी आए, हम तो उनका स्वागत करते हैं। हम कहते हैं जहां जहां पड़े पैर संतन के तहां तहां बंटाधार, तो हम तो प्रसन्न है कि वो हरियाणा में आए हैं। परेशानी तो आपको है कि वो क्यों आ गए? बजरंग दास जी, हर छोटी छोटी बात के लिए भाजपा को कोसना ठीक है क्या? अब लाइट नहीं है तो नहीं है, वो तो एक कॉमन सी बात है। आपको ऐसा क्यों लगा लाइट काट दी गई है? पुलिस वाले लोगों को रोक रहे हैं तो हर जगह तो भीड़ दिखाई दे रही है, फिर लोग रोक कहां रहे हैं? तो इसकी आवाज बढ़ाना मेहरबानी कम है। मैं एक बताता हूं, पद यात्रा तो यात्रा चल रही है, भारी है। आप देखिए सुबह 6 से 10 बजे तक अंदर यात्रा चलती है। गोयल साहब इतनी भारी बॉस हो है, उसके बाद रात के अंदर लोग सड़कों पर, और जहां तक कि सरकार द्वारा एक लेटर देना, मैं कोरोना वायरस आ रहा है, आप या तो यात्रा रोको या कोरोना का पालन करो। हम तो यही कहते हैं केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करे पूरे देश के अंदर, तो पूरे देश में गाइडलाइन जारी करेगी उसका हम पालन करेंगे। हमने कब नाटा? मगर ये बड़ा अफसोस की बात है, भारतीय जनता पार्टी रैली करे जगह जगह, पद यात्रा निकाले, जनसभा करे, मीटिंग करे, तो कोरोना नहीं आता। सारे बाजार खुले, रेलवे स्टेशन खुला, बस अड्डे चालू, एयरपोर्ट चालू, स्कूल चालू, कॉलेज चालू, कोई कोरोना नहीं जी। लोकसभा चालू, राज्यसभा चालू, उसमें अभी तक कोई गाइडलाइन लागू नहीं की। सिर्फ ये यात्रा को ऊपर ही गाइडलाइन लागू होती है क्या कि कोरोना आने वाला है, कोरोना आ रहा है, आप इसको यात्रा को रोको? दूसरी बात, ये वो सरकार है, इन्होंने हमेशा जात पात का जहर घोलने का काम किया है। आपने कहा कि बिजली चली गई ऑटोमेटिक, ये तो कहते हैं हमें 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। आपके चैनल पर कई बार डिबेट हो रही, इनके प्रवक्ता तो कहते हम 24 घंटे गांवों में बिजली देते हैं, तो शहर में बिजली क्यों जा लग रही है? सड़कों की हालत आपने देखी, आपके टीवी ने भी देखी होगी, पूरे चैनल ने दिखाया है, सड़कों का हाल क्या है? जिस सड़क पर पद यात्रा चल रही है, सड़क नहीं गड्ढे हैं, गड्ढे दिखते हैं, सड़क नहीं दिखती। इनको इतनी शर्म तो आनी चाहिए थी, भी लाखों लोग यहां से टपेंगे, आएंगे जाएंगे, छोटा मोटा पथ तो करवा देते, पचिंग में कोई दिक्कत नहीं थी। सड़क बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए इनके पास पैसे हैं, तो सड़क की रिपेयर तो करवा देते। ठीक है बजरंगदास जी, जगह जगह गंदगी के ढेर चल रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लोग जुड़ रहे हैं और इनको इस बात की तकलीफ है कि कांग्रेस के साथ सत्ती बरादरी क्यों जुड़ रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है। ये लोग वो हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, हिंदू पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अरे क्या पाकिस्तान, बार बार पाकिस्तान। कौन बात कर रहे हैं पाकिस्तान? हमने आपको ध्यान हुआ 1971 के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी बजरंगदास जी चर्चा कहीं और चली जाएगी हैं?
चर्चा कहीं और जा रही है, आप इसी पे आइए ना, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, तो बिजली जाने की बात कर रहा हूँ, 71 में जा रहे हैं, रुकिए चर्चा की बात, चले मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। जी जी ठीक है, अरे मैं नहीं घुमाने दूंगा, यही चर्चा करेंगे, कहीं नहीं जा रहे। राजकुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार से ये पत्र लिखने में जल्दबाजी हो गई, जब कोरोना को लेकर एक गाइडलाइंस पूरे देश में, मतलब सब कुछ सामान्य हो गया था, कोई नई गाइडलाइन नहीं आई थी, उससे पहले वहाँ पर एक चिट्ठी भेज देना कि कोविड नियमों का पालन करें, क्योंकि हुआ ये कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ गए और वो संक्रमित हो गए, अभी सुनने में आया कि एक विधायक है उन्हें स्वाइन फ्लू भी हो गया, तो क्या ये चिट्ठी एक गाइडलाइन आने के बाद लिखी जानी चाहिए थी या एहतियातन जो लिखी गई वो ठीक रहा? देखिए वरुण जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, न सिर्फ जल्दबाजी हुई है बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहीं ना कहीं राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दिया इस तरह की चिट्ठी लिखकर। वो चिट्ठी में लिखते हैं कि देश में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, हेल्थ इमरजेंसी की निर्धारित परिभाषा है, क्या उस परिभाषा के तहत फिलहाल देश में किसी तरह की गाइडलाइन जारी की गई है? आज तक नहीं हुई है, कल की बात छोड़ दें जब चिट्ठी लिखी गई, तो मुझे लगता है जल्दबाजी हुई। जल्दबाजी क्यों हुई इसका जवाब या तो स्वास्थ्य मंत्री खुद दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, लेकिन उसका जो संदेश गया वो कहीं ना कहीं गलत गया और उसका नुकसान भाजपा को हुआ और कांग्रेस को उसका लाभ हुआ। दूसरी बात, इस देश में जब आपात ये कोरोना पीक पर था, आप याद कर लें, बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, किन हालात में हुआ, कितना कोविड गाइडलाइंस का पालन हुआ, और अब जो बात कही जा रही है नए वेरिएंट की, वो वेरिएंट आए हुए भी कई दिन हो गए। हम सरकार की चिंता समझते हैं, कोरोना का डर काल्पनिक नहीं है, भयावह खतरा है, चीन में तस्वीर जो दिख रही है या जापान समेत कुछ और देशों में भी दिख रही है, डराने वाली है। कोरोना किसी देश की सरहद नहीं मानता, किसी सत्ता की से उसका डर नहीं मानता, ताकत नहीं पहचानता, ये बात सही है, लेकिन चीन में जो तस्वीर है वो कल तो नहीं बनी, परसों तो नहीं बनी, पिछले महीने से खबरें आ रही हैं। तो क्या हमने पिछले 20 दिन में 21 दिन में कोई एहतियाती कदम उठाए? अगर उठाए होते तो ये चिट्ठी लिखना बिल्कुल जायज, और इस चिट्ठी में अगर आप ये कहते कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, सावधानी बरते, वहां तक भी जायज हो जाता, आप ये सलाह दे रहे हैं कि यात्रा स्थगित करने पर विचार करें, तो मुझे लगता है कोई राजनीतिक संदेश जो इसका लगता ना चाहते हुए महत्व मिल गया उस यात्रा को, जिसको महत्व मिल नहीं रहा था। जी, और दूसरा जो कांग्रेस कह रही है कि भाई लाइट काट दी, सड़कों में खड्डे हैं, तो आज से पहले बजरंग दास गर्ग भी नए नहीं है राजनीति में, आप भी इतने समय से देख रहे हैं, किस विरोधी राजनीतिक दल ने अपने कार्यक्रम के लिए सत्ता से सहयोग की अपेक्षा की है या कब कब मिला है? लाइट जाना कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको आप राजनीति की दृष्टि से देखें। दिन में आप पदयात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, उसमें लाइट की जरूरत कब है, वो भी सर्दी के मौसम में, तो हर चीज को राजनीतिक रंग देना भी उचित नहीं है। सड़कों में गड्ढे हैं तो पहले से हैं, खोदे तो नहीं गए, आप अपेक्षा करें उनको बनवा दिया जाता, तो ये अपेक्षा मुझे लगता है हमारी राजनीति में कुछ ज्यादा सहायता की उम्मीद है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इस तरह की चिट्ठी लिखने से बचना चाहिए था, उसका जो संदेश गया है निश्चित रूप से गलत गया है, और उसका उनको नुकसान होगा भाजपा को, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसका लाभ ठीक है सहानुभूति के तौर पर मिलता दिख रहा है। ठीक है वंदा पोपली, एक तो जो राजकुमार जी बता रहे हैं कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो गई, और दूसरा ये कि इससे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने इस यात्रा को महत्व दे दिया। देखिए सबसे पहले वरुण, जल्दबाजी कहीं पर भी नहीं हुई, और ये जो बात कह रहे कि सिर्फ यात्रा में पत्र लिखा गया, ऐसा नहीं है, सभी राज्यों को ये पत्र भेजे गए थे, लेकिन जिस प्रकार से कह रहे कि यात्रा को पत्र क्यों लिखा गया, दो चीजें लिखी गई कि या तो आप इसको जो गाइडलाइंस है, जो कोरोना की गाइडलाइंस है, ये ऐसे कोई गाइडलाइंस स्पेशल जो है वो नहीं आई है, हम तीन इसकी लहरें जो है जूझ चुके हैं, हमें मालूम है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, अगर हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये तो आपके फायदे की बात है, क्योंकि सुखविंदर सुक्खू जी जो कि हिमाचल प्रदेश के
चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कोरोना हुआ है और वो राहुल गांधी जी के साथ थे, तो आप किस गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि राहुल गांधी जी इसके संक्रमण में नहीं आए होंगे, या उनके साथ जो लोग मिल रहे हैं वो उनके संक्रमण में नहीं आ सकते? तो हमारा पीछे तो एक यही कारण था कि आप इसको यूज कर लीजिए, स्थगित कर लीजिए, और जहां तक ये कह रहे हैं कि रोकने की बात करें तो भाई साहब तो रोक तो आप खुद ही रहे हैं, कल से तो आपकी वैसे ही रुक रही है आप, ये कथित भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी तो छुट्टी मनाने जा रहे हैं, और जब वो 3 तारीख को वापस आएंगे तब उस समय स्थिति क्या होगी वो तो राहुल गांधी जी खुद ही देख लेंगे कि उसके हिसाब से क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये इसको एक बड़ा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है बताने के लिए कि देखिए हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। मुझे इतना बताइए वरुण, यहाँ पे बजरंग दास जी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, मान लीजिए अगर हम आपके स्टूडियो में बैठे होते और मुझे कोरोना होता तो मैं क्या बजरंग दास जी को बोलती कि आप थोड़ा एक काम करिए तो मास्क लगा लीजिए या थोड़ा सा दूर बैठ जाइए, तो आप क्या बोलेंगे कि जी मुझे तो डिबेट से बाहर निकालने की साजिश रची जा रही है? अरे आपके फायदे की बात कर रहे हैं ना, इसका जवाब क्या होना चाहिए था? इसका जवाब सिंपल ये होना चाहिए था कि जी हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे और हम अपने जितने समर्थक है जितने लोग आ रहे हैं उनको हम ये बोलेंगे कि मास्क लगाएं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन बात वहीं पर है, ये जो राजनीतिक फायदा उठाने की है, जो राजकुमार जी कह रहे थे कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये सोचे कि हमें फायदा मिल जाएगा, और अभी तक कहीं पर भी इस भारत जोड़ो यात्रा को कहीं पर ना मीडिया दिखा रहा है ना लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात करने की आवश्यकता है, तो इसी विषय को उठा लिया जाए। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, बजरंग दास जी अभी कह रहे थे कि शहर में भी बिजली जा रही है, भाई साहब जरा अपने जो नेता है उनसे पूछ तो लीजिए अगर उनका स्टेटमेंट क्या है, वो कह रहे गांव भादस में लाइट गई, आप कह रहे शहरों में लाइट गई, तो आप पहले कंफर्म तो कर लीजिए लाइट कहाँ गई, कितनी देर गई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आपकी यात्रा पे, वो भी बता दीजिए, और गई भी कि नहीं गई कौन कह सकता है, इसका कोई प्रूफ तो होता नहीं है, लेकिन आपको तो बात बनानी है। कभी कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमारे को रोक रहे हैं, जी पुलिस वाले आपको क्यों रोकेंगे, उनका काम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है। 7 सितंबर से चली हुई आपकी यात्रा, अभी तक किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आप इस तरह की बात करना, तो रीजन यही है ना कि कहीं ना आप क्या बताना चाह रहे कि हमारी यात्रा को महत्व ठीक है, नहीं हरियाणा में तो अभी आई है ना, 7 सितंबर की तो नहीं चिंता नहीं है बजरंग दास जी। आज भी रोकना सवाल है, ये हकीकत है, इन्होंने 12-12, 15-15 किलोमीटर पहले जो बाहर से गाड़ियां आ रही थी उनको रोका गया है, उनको तंग किया गया भी आप यहाँ के नहीं जा सकते, ट्रैफिक जाम है वहां पर, ये दिक्कत है, बड़ा उन्होंने हंगामा के रखा पुलिस वालों ने, हमारे आदमी वहां गए भी है, चलो वो कोई बात नहीं, इन्होंने रोक लिया, हमारे को भीड़ की कमी नहीं है, मगर मैं बताना चाहता हूँ कल सुबह यहाँ पर हरियाणा में अपने यात्रा राजस्थान से एंट्री की थी, कल और आज और परसों 3 दिन हरियाणा में रहेगी, उसके बाद ये यात्रा फरीदाबाद से जाएगी दिल्ली, उसके बाद दिल्ली से जाएगी यूपी से हमारा सेकंड चरण पानीपत से शुरू होगा। मैं ये बहन जी को बताना चाहता हूँ भाई, इतना भारी भरकम समर्थन लोगों हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर मिल रहा है, और लोग मुंह कहने लग गए हैं हाँ भाई बाकी ये लोग भारत को जोड़ने वाले हैं, दुख सुख में खड़े हैं, गरीबों के पीड़ितों के मतलब बैग बढ़ के आम जनता के हित के संघर्ष के लिए ये मैदान के अंदर है। मैं ये बताना चाहता हूँ ये भारत जोड़ो यात्रा के पीछे पड़े हुए है, अरे इनमें ताकत तो अमित शाह जी कह दो ना 500 किलोमीटर चल के दिखा देते हैं, अमित शाह पता लग जाएगा। अच्छा मैं हालांकि मैं इस तरह की टिप्पणी करता नहीं हूँ बजरंग दास जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव था पिछली बार वाला 2017 वाला, भारतीय जनता पार्टी ने 300 सीटें जीती थी, और जहां तक मुझे याद है कांग्रेस की सीटें आई थी 5 या 7। उस नतीजे के तुरंत बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश पर बीजेपी के एक संगठन को लेकर के वो दौरे पर निकले थे, और कांग्रेस के अध्यक्ष विदेश चले गए थे। आप ऐसा कंपैरिजन ना करें, मैं हालांकि इस तरह की टिप्पणी करना नहीं चाहता था, गोयल साहब मैं सही बता रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, अब आप ये टिप्पणियां ना करें, मैं ये इस तरह की टिप्पणी की जरूरत ही नहीं है, नहीं, वो भाई आपने कहा ना, आपको भाई अभी पार्टी मजबूत करने की जरूरत आपको है ना, अभी यात्रा की है भाई, मैं क्या कह रहा हूँ बस, अरे भाई तो आप सुनिए ना, जरूरत आपको है अभी जरूरत किसको है, जरूरत है हमें, हाँ तो हमें तो फिर आप दूसरों को सलाह ना देना कि वो चल के दिखाए,
भाई जरूरत आपको है, देश को जरूरत है, देश को हर एक आदमी चाहता है इस भाई सरकार से, तानाशाही सरकार से, ठीक है, सीबीआई का दुरुपयोग करने वाली सरकार से, ईडी का दुरुपयोग करने वाली सरकार से मुक्ति चाहते हैं, ठीक है। एक आदमी ने उन्होंने गला घोटा हुआ है, एक फर्क बता दो इसे खुश हो, ठीक है। अच्छा मैं आता हूँ, वापस आता हूँ आपके पास, सड़कों में आता हूँ रुकिए रुकिए, मैं राजकुमार जी के पास जा रहा हूँ, अरे आ रहा हूँ भाई, बजरंग दास जी दोबारा आ रहा हूँ, रुकिए ना राजकुमार जी, मुझे ये बताइए, बार बार कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि इसका राजनीति से या राजनीतिक लाभ से कोई लेना देना नहीं है, ये यात्रा भारत को जोड़ने वाली यात्रा है, लेकिन उम्मीद कांग्रेस ये कर रही है कि कैसे भी वो वापस खड़ी हो जाए पैरों पर। हरियाणा में ये प्रयास कितने फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं वरुण जी? कहने की बात अलग है, लेकिन पहला सवाल तो ये, भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों थी? भारत की एकता को कोई खतरा हाल फिलहाल साल दो साल पांच साल आठ साल में कोई नजर आया क्या? आया तो कौन सी घटना को गिना सकते हैं? सीधी सी बात है, ये राजनीतिक यात्रा है, नाम उसको भारत जोड़ो कर दिया गया है, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि कांग्रेस को या राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ज्यादा जरूरत कांग्रेस जोड़ो यात्रा की, क्योंकि कांग्रेस संकट में है। और बजरंग दास जी एक प्रश्न लीजिए ना, बजरंग दास जी आपको बताऊंगा मैं, संकट ये है बजरंग दास जी, संकट ये है कि इस यात्रा के दौरान भी जिसका राहुल गांधी इस्तेमाल कांग्रेस को करने के लिए, कांग्रेस को मानोबल बढ़ाने के लिए कर सकते थे, उसमें भी ज्यादा समय ज्यादा ऊर्जा भाजपा पर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले करने में कर रहे हैं, करने चाहिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तथ्य परक हो तो उसका असर हो। आप सिर्फ आलोचना के लिए तो बात नहीं बनेगी, आप अपनी पार्टी मजबूत करेंगे तब भाजपा को जवाब देंगे। बजरंग दास जी भाई ये तरीका ठीक नहीं है, आपने दो एक मिनट रुके, राजकुमार जी मैं आता हूं, देखो एक मिनट रुके, आपकी बात स्पष्ट नहीं आ पा रही। बजरंग दास जी, बजरंग दास जी तरीका ठीक नहीं है, आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था, आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था, तरीका ठीक नहीं है भाई, और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के तो आदमी नहीं है, आप काउंटर कर रहे हैं, बताओ कौन सा अलग चल रहा है? अरे रुकिए ना भाई, अच्छा रुकिए ना, अरे भाई मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं आप सवाल पूछ लूंगा, मेरे पास सवालों की कमी नहीं है, मैं आ जाऊंगा आपके पास। बजरंग दास जी मैं आपको अभी बता दूंगा कांग्रेस कैसे जुड़ रही है, और वो भी अच्छी बात है, वो जोड़ रहे हैं, अरे अच्छी बात है, कांग्रेस भी जुड़ रही है, तो बता दूंगा आपको कैसे जुड़ रही है, मैं राज्य दर राज्य आपको बता दूंगा, आप चिंता ना करिए। बजरंग दास जी तरीका नहीं है, एक तरफा रनिंग कमेंट्री नहीं चलती है, अच्छी बात नहीं है, आप सम्मानित पैनलिस्ट हैं, ऐसे ना करें। नहीं नहीं रुकिए ना, आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, रुकिए आप रुकिए रुकिए, अरे भाई मैं आके सवाल पूछूंगा ना आपसे, दूसरे को अपनी बात तो रखने दीजिए, रुकिए ना राजकुमारी कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा था कि सवाल ये कि कांग्रेस संकट से कैसे उभरे, राहुल गांधी इस यात्रा का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे अपनी पार्टी को एकजुट करने के लिए, अपनी पार्टी के गिरे हुए मनोबल को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन हो उल्टा रहा है, कांग्रेस एकजुट हो रही है नहीं हो रही है वो तो हम आए दिन देख रहे हैं, लेकिन भाजपा पर आक्रामक हमले करके वो भी बिना तथ्यों के कुल मिलाकर के अपने क्षमता का या अपने जो विश्वसनीयता है उसको दांव पे लगा रहे हैं। आपने 2017 का उदाहरण दिया, मैं 2022 की बात करता हूँ, यूपी में कांग्रेस की कुल एक सीट आई, राजकुमार जी आज की बात हुई, सुनिए पूरी बात सुनिए पहले, और आजादी के बाद पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस का नाम नहीं है, हमने वो झूठ बोलना, तो हम कांग्रेस बजाय संकट को समझने के, कांग्रेस ने कौन सा गलत तत्व की बात करी है, आप उसको स्पष्ट करिए। ठीक है राजकुमार जी मैं आप में आता हूँ आपके पास, बजरंग दास जी आज ज्यादा उत्तेजित है और मैं चाहता हूँ ना हो ऐसा, चलिए रुकिए रुकिए। वंदना पोपली, कुल मिलाकर ऐसा है कि कुछ घबराहट भाजपा को हो रही है, इसलिए भाजपा ऐसे प्रयास कर रही है कि इस यात्रा में अवरोध या गतिरोध पैदा किए जाए, और नहीं कर रही है तो कम से कम मैसेज ऐसा गया है। मुझे लगता है वरुण आपको अपने इस प्रश्न पर भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। नहीं मुझे विश्वास है, जिस तरह से बौखलाहट दिखाई दे रही है, अभी हमने सभी देखा कि राजकुमार जी राजनीतिक विश्लेषक है, उनकी बातों पर भी इनको ऐतराज हो रहा है। बजरंग दास जी मैं आपके बीच में नहीं बोलती, कृपया करके बीच में मत बोलिएगा, नहीं तो आगे से मैं नहीं बोलने दूंगी आपको, ये कोई तरीका नहीं।
अभी आपने देखा कि ये कह रहे थे कि कोई इतनी लंबी यात्रा तो करके दिखा दे, 500 किलोमीटर की यात्रा कोई करके तो दिखा दे, मतलब राहुल गांधी जी से बेचारे से इतनी मेहनत करा दी है, खुद ही इस चीज से गदगद है कि पैदल चल रही है, वो भी इतना इम्पोर्टेंट है। आप कह रहे थे कि वरुण आपने यहाँ पे इनको सही टोका कि आप कंपैरिजन मत करिए, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। इनके राजस्थान में मंत्री है प्रसादी लाल मीणा, उन्होंने क्या कहा कि भगवान राम ने अयोध्या से श्रीलंका तक यात्रा की थी, राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं, यानी कि उनसे भी बेहतर कर रहे हैं। ये तो कंपैरिजन भगवान राम से भी करते हैं। अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि जब मैंने पिछली बात खत्म करी तो आपने कहा था कि अभी हरियाणा में आए हैं तभी इस तरह की बात उठ रही है, ऐसा नहीं है, इन्होंने पहले भी तमाम तरह की कोशिश की है। भगवान राम र से शुरू होते हैं, राहुल भी र से शुरू होते हैं, नाना पटोले ने कहा। ये जो कंपैरिजन है, ये जो चीज है, ये सब किस लिए? राहुल गांधी को किसी तरह लॉन्चिंग पैंड पे ले आया जाए, उसको लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन लॉन्चिंग पैड तो है ही नहीं भाई, ना आपका संगठन ना आपकी विचारधारा, तो लॉन्च कैसे करेंगे? ये वोटों की खेती काटने का काम आप कर रहे हैं। आप ये सोच रहे किसी तरह से राहुल गांधी एस्टैब्लिश हो जाए, किसी तरह से हम दिखा दें कि हम इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कांग्रेस के जितने लोग हैं, शायद बजरंग दास जी भी खुद से सोचे कि ये हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये भी सोचते होंगे कि किसके लिए हम बोल रहे हैं। हमने मंच में भी देखा कि किस प्रकार की चीजें हुई थी, अगर ये बीच में बोलेंगे तो मुझे लगता है बोलिए, आवाज अभी आपकी जा रही है, बोलिए बोलिए कंप्लीट करिए। जी, अभी अभी यूपी का भी जिक्र हुआ तो यूपी में शायद ये भूल गए, तब भी इन्होंने बड़ा शोर मचाया था, खाट सभा हो रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लोग खाट भी उठा के लेकर चले गए, और दिल्ली में आने के बाद किस प्रकार से लाठियां चली थी, डंडे चले थे। तो अभी ये जो शुरुआत है, 3 दिन के लिए हरियाणा में आए हैं, अगली बार दोबारा भी आएंगे तो बहुत सारी चीजें भी देखने को मिलेगी, तो सबका आरोप फिर से भाजपा पे डाल देंगे, डालिए। लेकिन इतना है एक चीज, ये इतनी एक चीज इम्पोर्टेंट है, मैं ये बोलती हूँ कि जब ये कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे लोग पिट रहे हैं, तो तब ये पोल की खोल खुल जाती है, यहाँ पर इनकी पूरी तरह से पोल खुल जाती है कि अपने लोगों को चाइना के लोगों को अपना मानते हैं क्या? सच्चाई ये है, जो पिट रहे हैं वो इनके नेता हैं, जो इलेक्शन में लगातार पिट रहे हैं, ठीक है, 50 में से तकरीबन 40 जो सीट्स हैं, 40 इलेक्शन हार चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन की जिद है इन्हीं को बनाएंगे प्रधानमंत्री, इन्हीं को अध्यक्ष बनाएंगे, बनाइए, हम तो खुश है, हरियाणा में आगे हमको बहुत खुश है इस चीज। ठीक है बजरंग दास जी, देखिए आप राजकुमार जी के सवाल पे इतने नाराज हो गए, उन्होंने बात गलत नहीं कही थी, अगर कांग्रेस भी एकजुट हो रही है तो गलत क्या है? कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच में कैसा रिश्ता है सब जानते हैं, राहुल गांधी की यात्रा में दोनों साथ साथ चले तो लगा कांग्रेस कर्नाटक में जुड़ रही है, राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत किसी से छुपा नहीं है, दोनों साथ चले तो ऐसा लगा राजस्थान में कांग्रेस जुड़ रही है, और हरियाणा में सब दूर दूर रहने वाले नेता ना आदमपुर में गए ना उदयभान की ताजपोशी में गए, वो सारे साथ साथ चल रहे हैं, तो अगर कांग्रेस भी जुड़ रही है तो ये कहना गलत क्या हो गया इसमें? देखिए गोयल साहब, आप मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं नहीं बुरा मान रहा, राजकुमार जी को हर एक डिबेट के अंदर देखता हूँ, हमेशा इनके पास एक ही बात होती है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई करना, उन्होंने चिट्ठी लिखने को भी गलत बताया। मैं आप दिखा दूंगा आपको, मैं वीडियो भेज दूंगा। नहीं वीडियो, अरे सर मैं क्या वीडियो देखूंगा, आप बताइए, चलिए बात कंप्लीट करिए, कल ये इंडिया न्यूज, अरे छोड़िए आप अपनी बात कंप्लीट करिए। बजरंग दास जी की बारी है, सब रुक जाइए, अलग चल रहे हैं या अलग अलग बयान दे रहे हैं, जब तो आप कहते हैं कि हम इनको जोड़ने की जरूरत है, जब आज जुड़े हुए दिख रहे हैं, कट्ठे दिख रहे हैं, एक मंच के ऊपर दिख रहे हैं, तो आज ये बात कहना बेईमानी थी, तो इसलिए मतलब तकलीफ होना स्वाभाविक था। दूसरी बात, मैं आपको दावे के साथ गोयल साहब कहता हूँ, 2024 नोट कर लेना, आज का तारीख नोट कर लेना, मेरी बहन जी भी बैठी है, भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में कोई जनादार नहीं है, जोड़ने की बात तो इनको कहनी चाहिए। अनिल बिस्तोलू कहते हैं एमबीए स्टूडेंट जो है उनके ऊपर जो उन्होंने लागू किया है वो फीस लागू नहीं होनी चाहिए, जो उन्होंने कानून लगाया जबरन नौकरी का वो नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री का होगा 40 लाख से 30 लाख कर दिया, 7 लाख से 5 लाख कर दिया, वो मान नहीं रहे, 7 साल से अनिल भी फिर भी वकीलों से राय ले रहा है। आप देखिए उप मुख्यमंत्री कहता है अगर मैं मुख्यमंत्री होता
तो मैं 5100 रुपए पेंशन कर देता, मुझे इस बात की टीज है। आप देख इनके विधायक क्या कहते हैं, भाई भाई सारे महकमे ये लोग ही खा गए माल खा गए, इनके विधायक भारतीय जनता पार्टी। बजरंग दास जी कंप्लीट करिए सर, समय इतना होता है आपको पता है, ठीक है, जोड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, हम जुड़े जुड़ाए हैं, ठीक है ठीक है। सबसे पहले टिप्पणी राजकुमार जी की, हालांकि राजकुमार जी पर व्यक्तिगत ना जाते हुए भी राजकुमार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं वंदना पोपली के पास जाऊंगा। मैं अरुण जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को समझ, सिर्फ आरोप लगा के हल्ला मचा करके राजनीति में लंबी लकीर नहीं खींची जा सकती, और अब तो बिल्कुल नहीं, जबकि राजनीति की मुहावरा, राजनीति की परिभाषा और रीति नीति सब कुछ बदल चुकी है। तो आरोप लगाना अपनी जगह है, लेकिन आप जमीन पर गंभीर कोशिश करते नजर आइए, जनता से जुड़ते नजर आइए, पार्टी को एकजुट करते नजर आइए, तब कुछ हो पाएगा। खाली बोलने से, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है वंदना, वैसे समय खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने कहा बीजेपी को जोड़ने की ज्यादा जरूरत है हरियाणा में, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि जब एक पार्टी के जो नेता हैं, मैं यहाँ पे कांग्रेस की बात कर रही हूँ, जब पार्टी के विरोधी में काम करते हैं, तो अगर कहीं पर इनको दिखाई देता है कि कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं एक दूसरे के अलग तरह से आ रही हैं, तो उसको आप कंपैरिजन करते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके जो नेता है राज्यसभा में पार्टी के अगेंस्ट वोट कर देते हैं, ये आपके लिए बहुत कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ पर विचारों को सामने रखा जाता है, ये भी हमारे यहाँ पर बहुत कॉमन है, लेकिन पार्टी के अगेंस्ट कोई नहीं जाता। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी लास्ट टाइम में कि कृपया करके अपना ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए, ये मत कहिए कि हम मास्क तब तक नहीं पहनेंगे जब तक पूरा देश नहीं पहनेगा, जबकि आपके यात्रा के अंदर ही कोरोना संक्रमित है। तो मुझे लगता है इसका भी ध्यान रखना चाहिए, बजाय बहुत होगी राजनीति, लोगों के बारे में सोच लीजिए। चलिए आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यात्रा जारी है, यात्रा पर घमासान, कौन परेशान, ये बड़ा सवाल है, लेकिन यात्रा आगे बढ़ रही है और हरियाणा में यात्रा है, इसलिए बहुत सारी हलचल देखने को मिल रही है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।